ये एकदम कम है, दिस इज नॉट कितना 1% से भी कम लोग है और ये ज्यादा कभी नहीं होने वाले। तो सामने जितने भी भर दे, जितने भी मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग, दे विल कम थ्रू अस, बट वी विल हैव अ डिफरेंट पोजीशन। ये सोचो एज सर का विजन, उनका जो डन डील वाला बात बोला था, इन इट टू विन इट वाला बात बोला था, और जितने भी सारे सारे लोग है, जितने भी है ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स है उसका, जैसा डिलन सर बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा आप क्या हो, ये एग्जैक्टली डिलन सर का बहुत राइट स्टेटमेंट था कि आपको खुद को नहीं मालूम कि आप क्या हो। तो वो फीलिंग लेने का, और आज का दिन का, बाप रे दिस इज टू मच, मतलब आज मैं बैठा हूं, उधर फुटबॉल का ओपनिंग हो रहा है और इधर हमारा लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली आपको लॉन्च का दिन आज ही नहीं दिखेगा कि आज ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मतलब उसको शेड्यूल डेट भी दिया है, उसका मतलब आप कहां पर है, अगले महीने क्या होगा, आपका क्रिसमस कैसा होगा, आप वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे, बाकी सारे डेज जो भी है जिसका बर्थडे आता है बीच में, इट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। वी आर इन इट टू विन इट एंड वी आर ऑलरेडी इन इट इनसाइड, सो वी हैव वन इट। ये आपको फीलिंग अभी अंदर लेना है। ओके, जैसा एडिसन ने एक बहुत पॉइंट अच्छा नोट किया कि जैसा चालू होता है कोई भी मशीन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा उसको ब्रेकअप गियर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर है, यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी एंड यू आर विद द कंपनी। तो एक प्लीज बात याद रखिएगा, इवन आफ्टर स्टार्ट कुछ स्लो फास्ट होता है तो ये पूरे सिस्टम में वो चीज है, वो हमको टपाटप कौन क्लियर करके देगा, हमको क्लियरली एज सर ने बताया था कि एनीथिंग विच हैपेंस वी हैव दैट पावर और वी हैव दैट पीपल दैट दे विल इट विल करेक्ट इट विल बी करेक्टेड। सो ये बात जो केडी सर ने कवर किया है, ये मुझे भी लगता है कि प्लीज आप लोग साथ में रहो और ये बात बोलना अरे इतना स्लो है इतना फास्ट है, प्लीज वैसे मत बोलना, क्योंकि ये आपका कंपनी है, आप खुद ब्रांड एम्बेसडर हो, आपको जो पदवी दिया है उसका वो लेवल पर रिस्पेक्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और मैं बहुत खुश हूँ, दिल से बोलता हूँ थैंक यू ऑल फाउंडर्स, लव यू ऑल, एंड वी आर एंटरिंग अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। तो टेंशन मत लीजिए, मैं वही बताता हूँ ना, देखो मैं वही बताता हूँ नीरज, मैं सबको बताना चाहता हूँ, जब सितंबर 2018 की बात है ना, तो ऐश ने तब पहला वेबिनार किया था सितंबर में, जब मैं जो है उसके नेक्स्ट आई थिंक दो तीन दिन के बाद इस वेबिनार 25th ऑफ सितंबर को, 25th मैं 16th ऑफ सितंबर को जाना था और 25th को ऐश ने वेबिनार किया था, सबसे पहला जो किया था। एंड ऐश ने एक बात बोला था कि मैं जब शुरुआत की इसकी फाउंडर बनाने की, तो उसको ऐसा था कि मे बी 400-500 लोग, लाइक माइंडेड जो लोग हैं जो समझेंगे किसी चीज को मैं ऐसा कुछ बनाने जा रहा हूँ तो आ जाएंगे, ओके उसको ऐसा था। बट हुआ क्या, वो 400-500 नहीं, वो लगभग वो बोल रहा था कि आज पता नहीं 2400-2500 फाउंडर हो चुके हैं, ओके तो 500 का सोचा था कि 400-500 शायद लोग आ जाएंगे ना सुन के, क्योंकि $97 भी थे तो पता नहीं लोग उस आइडिया को समझेंगे नहीं समझेंगे, आई डोंट नो, बट अगर 300-400 या इवन 200 लोग भी मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इस लेवल का काम कर जाऊंगा इतना बड़ा, ओके हुआ क्या, आज हम 300,000 हैं, ओके तो आप समझो कि उस आइडिया को किस लेवल पे लोग समझ रहे हैं, ओके अगर उस आइडिया को बिना कुछ पैसे हमारी जेब में 5 पैसे आए हुए भी आज हम 300,000 हो गए हैं, जब हमारे सबकी जेबों में कुछ कुछ पैसे आ गए, सारी दुनिया की जेबों में कुछ कुछ पैसे गिरे, तो आप देखो कितने करोड़ों करोड़ों लोग इसमें आने वाले हैं, ओके तो आप खुद समझदार हो सारे कि ऐसा एक सिस्टम है, बिना पैसे दिए हुए 300,000 लोग हैं, पैसा आ गया तो आप देखो भी क्या होने वाला है, बस यही अंदाजा आप लगा लो, आप मतलब कि डन हो, मतलब कि ये डील डन है बिल्कुल, आप इन इट टू विन इट वाला जो फॉर्मूला है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और आप जैसे नीरज ने बोला कि जो टॉप 1% है उसमें हुआ, ठीक है तो आपको मैंने पहले बोला कि आज से एक साल पीछे मुड़ के आप देख लीजिए क्या थे आप, आज क्या हो, आज से एक साल बाद आप क्या होने वाले हो, इमेजिनेशन से बाहर है सारी चीजें, ओके तो ये ऑन पैसिव है बेसिकली, तो आए हो घबराओ मत नहीं, बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है, ये वाकई कुछ नया है सर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार मुझे व्हाट्सएप पे आ रहा है, ये मुनाजिर खान नासिर खान है और ये जस्सी जी के मुंह से इसका जवाब सुनना चाह रहे थे, लेकिन जस्सी जी तबीयत ठीक नहीं तो आया, वैसे तो बहुत जनरल क्वेश्चन है तो सर आप दे दें,
अगर मेरी टीम में कोई भी नहीं है, जीरो है, तो लॉन्च के पहले दिन मेरे को थोड़ा तो पैसा आएगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप बात को समझिए, लॉन्च तो भी होनी है, उसके पहले मार्केटिंग कैंपेन है, ओके, मार्केटिंग कैंपेन पड़े हुए हैं, उसमें देखिए आप क्या है, ओके जी। फॉर एग्जाम्पल हम उसको और थोड़ा नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि मार्केटिंग कैंपेन में, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, आपको आए कुछ नहीं, मार्केटिंग कैंपेन में भी आपको कोई आदमी नहीं मिला, ओके। अब क्या है, जब हम जिस दिन हम लॉन्च होंगे, आज हम 3 लाख हैं, मार्केटिंग कैंपेन में हम ये मान के चलते हैं कि 3 लाख लोग और आ गए, ओके, हम ये मान के चलते हैं, मगर उसके बाद भी आपको नहीं मिला कोई भी आदमी, तो व्हाट हैपेंस कि वो हम लोग 6 लाख हो गए, 3 लाख से 6 लाख हो गए। जिस दिन हमने लॉन्च होना है तो क्या होना है कि सबका मैट्रिक्स या सबका जो पोजीशंस बननी है सारी जितनी, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल 1 महीने पहले 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो भी ज्वाइन है, उस ज्वाइनिंग जब आप आए तो हम फॉर एग्जांपल हम लोग 2.5 लाख थे या 2 लाख थे, मगर जिस दिन हम लॉन्च हो रहे हैं मार्केटिंग कैंपेन से भी हम कितने 6 लाख हैं, ओके। अब जैसे ही हम लॉन्च होना है, जो हमारा स्ट्रक्चर सबका बनना है एज ए वन स्ट्रक्चर, जो वन स्ट्रक्चर वन टीम का बनना है, आप ये देखो आपके बाद वो कम से कम 3-4 लाख लोग जो मार्केटिंग कैंपेन या फाउंडर्स भी हैं वो आए हैं, तो जब वो स्ट्रक्चर सेट होना है, आप जब बोल रहे हो कि पहले दिन मेरी इनकम आएगी क्या नहीं आएगी, तो आपके नीचे वो लोग आ चुके होंगे, कहां से आएंगे, मे बी स्पिल ओवर के आ रहे हैं, मे बी जो ट्रिपल एंट्री ऊपर के 10-15-20 हजार 25 हजार लोगों की जो ट्रिपल एंट्री जनरेट हो चुकी है, वो कितनी होगी, अगर 25 हजार की 25 हजार × 3 75 हजार वो एंट्री आके आपके नीचे गिर गई कहीं ना कहीं, तो वहां से 3 तो आपको मिलने वाले, डेफिनेटली घबराओ मत, तो पहले दिन ही आपकी इनकम शुरू होने वाली है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि ऑन पैसे बहुत बड़ा है, आप देखते रहनिया के रहना कि क्या होने वाला है, एक ब्लास्ट होने वाला है, एक पहले महीने में इतने लोग ट्रिपल एंट्रीज, आप ये मान के चलो कि अगर 25-30-50 हजार की ट्रिपल एंट्री, 50 हजार लोगों की 3-3.5 लाख तो वैसे ही हो जाते हैं, वो कहाँ जाने, वो हम सब के नीचे जा रहे हैं फाउंडर्स के, तो जो फाउंडर्स के नीचे जा रहे हैं वो लेवल आउट फिल आउट हो रहे हैं, अगर किसकी टीम नहीं है ठीक है वो वहां जाके फिट हो रहे हैं, अगर हमारे जैसों की टीम है, जस्सी भाई जैसे की लोगों की टीम है, उनको तो मिलना नहीं क्योंकि उनको तो लेवल ऑलरेडी फिल है, आपकी नहीं है वो बंदे आके वहां गिर जाने हैं, फिर उसके बाद और अगर नीचे 9 चाहिए तो वो और आके गिर जाएंगे, तो डेफिनेटली पहले दिन ही आपको पैसा मिलने वाला है। जी अगला क्वेश्चन ओ सुरजीत जी का है, सर जी क्या रीसेलर की भी 3 आईडी बनेगी क्या? सबकी सबकी क्राइटेरिया वही होने वाला है, फॉर एग्जांपल 125 लोगों की टीम का अगर क्राइटेरिया मान के चले तो उस क्राइटेरिया सबका सेम है, सेलर्स रीसेलर्स फाउंडर का सब क्राइटेरिया सेम है, बिल्कुल जी जी। महेंद्र श्री पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सर आई लॉस्ट 4 crore इन अनदर कंपनी बट आई ट्रस्ट ऑन पैसिव, नाउ माय डायरेक्ट टीम इज 5, रिसेंटली आई बॉट महिंद्रा एसयूवी 500 कार ट्रस्ट ऑन पैसिव, आई टोल्ड टू माय वाइफ आवर टोटल मनी विल रिकवर इन ऑन पैसिव नेक्स्ट ईयर एंड वी विल बी फ्री सर, थैंक्स टू ऑन पैसिव एंड थैंक्स टू ऑल माय अपलाइनर्स। तो उन्होंने एक ट्रस्ट दिखाया है, बताया है कि 4 crore लॉस होने के बाद में भी उनका उन्होंने अपना ट्रस्ट शेयर किया सर। डेफिनेटली मतलब कि ये ऐसा बिल्कुल है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने एसयूवी ली है नहीं बट एट द सेम टाइम आपने इतना पैसा लॉस किया है, वो सारा कुछ आपको वापस मिलने वाला है बहुत जल्द ऑन पैसिव के थ्रू।